कर लेंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। जींद से बड़ी खबर आ रही है। जींद में किसानों ने पुलिस द्वारा डीसी दफ्तर में लगाए गए 3-लेयर बैरिकेटिंग को हटाकर लघु सचिवालय में घुस गए। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते जिला मुख्यालय पर किसान एवं कई संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी लघु सचिवालय में पहुंचे और पूरे परिसर को घेरते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया था। प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने 3 कृषि कानून जो बनाए हैं वो सभी किसान विरोधी हैं, जिसका वो कड़ा विरोध करते हैं। किसान संगठनों के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया है और वे प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि प्रशासन किसानों के साथ सही तरीके से पेश आए, वरना आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम होंगे। किया था ये 3 जो ये काले कानून और बिजली बिल है, इसके विरोध में हम जो दिल्ली के अंदर पिछले 15-20 दिन से बैठे हैं, लगातार आंदोलन है, उसके खिलाफ आज पूरे देश में जिला स्तर के ऊपर 12 तारीख को हमारा टोलों के ऊपर एक्शन था, 14 तारीख को आज पूरे देश के अंदर जिला स्तर के ऊपर प्रदर्शन करके ये राष्ट्रपति को मांग पत्र देना था उपायुक्त के महोदय के माध्यम से। यहाँ हजारों आज किसान इकट्ठे हुए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई, अच्छी संख्या में मजदूर भी शामिल हुआ। और आज फिर यहाँ जिला प्रशासन ने एक बहुत भारी गलती की कि यहाँ पर फिर रोकने की कोशिश की, लेकिन किसानों के जोश के आगे पुलिस के बैरिकेड नहीं रुक पाए और यहाँ पहुँचे और डीसी को मांग पत्र दिया और किसानों ने चेतावनी दी है कि जींद जिला के अंदर दोबारा अगर ऐसी कोशिश की गई तो इसके जो परिणाम होंगे उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा, SP और DC जिम्मेवार होगा। किसान कई किसान नेताओं ने, किसान मोर्चा ने, आशा वर्कर यूनियन, अन्य सभी किसान भाइयों ने हमें एक ये ज्ञापन दिया है और जो उनकी मांग है वो हम उसको हम जो है उचित माध्यम पर विभाग के पास पहुंचाएंगे। साथ में मैं सभी किसान भाइयों से, जींदवासियों से अपील करता हूं कि शांति इसमें बनाए रखें, किसी भी कानून व्यवस्था को भंग ना करें और जो भी इसका बैठ के हल होगा उसके निकालने। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।